एंड आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मलेशिया जाने के लिए वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं अगर आप सिंगल जा रहे हो तो इस पे ज़्यादा टाइम ना देते हुए चलिए आइए देखते हैं कि मलेशिया जाने के लिए वीज़ा हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कम से कम अमाउंट में और कितनी जल्दी वीज़ा पा सकते हैं। सो लेट्स चेक इट। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, हमने यहाँ पे टाइप किया है विंडो मलेशिया, तो यहाँ पे हमारे बहुत सारा वेबसाइट आ चुका है, पर आपको इसमें से कौन से लिंक पे जाना है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ऑफिशियल मलेशिया वीज़ा अप्लाई, अगर आप इस लिंक पे जाते हो तो आपको एक लिंक खुलेगा जहाँ से आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, पर यहाँ से जो आप वीज़ा अप्लाई करोगे उसका कॉस्ट $147 आएगा। पर आपको यहाँ से नहीं अप्लाई करना है अगर आप अकेले घूमने जा रहे हो तो। और एक है विंडो मलेशिया, दोनों का आप देख रहे हो विंडो मलेशिया .co है और यहाँ पे विंडो मलेशिया .my है। तो मैं दोनों लिंक पे क्लिक किया हूँ। ये मैं दिखाता हूँ आपको पहले वाला लिंक, अगर आप यहाँ से वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपको पहले यूजर बनाना पड़ेगा, और अगर आप पहले से बनाए रखे हो तो आपको बैक, मतलब एक्साइटिंग यूजर आपको बैक आना पड़ेगा। सो ये सब उसका डिटेल है कैसे क्या है। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँगा कि आपको कौन सा वीज़ा लेना चाहिए अगर आप जब बाहर घूमने जा रहे हो तो इस वेबसाइट से हम लोग नहीं करेंगे, ये फर्स्ट वाले से नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे इस वाले वेबसाइट से। इस तरह का ये आएगा, आप यहाँ पे देख लो, ये है www.windomalaysia.my। यहाँ पे आएंगे और अगर आपको यहाँ पे कुछ भी समझ में ना आए तो आप यहाँ से असिस्टेंस ले सकते हो। जैसे कि आप ये देख रहे हो स्टार्ट चार्ट है, यहाँ पे आप अपना डिटेल भर के ले सकते हो। अब आप यहाँ पे आएंगे वीज़ा मलेशिया, ये ऑफिशियल वेबसाइट है और ये भी ऑफिशियल वेबसाइट है, दोनों ऑफिशियल वेबसाइट है, बट डिफरेंट है कि जब हम अकेले घूमने जाते हैं तो हमें सस्ते वीज़े की ज़रूरत पड़ती है जो कि इस वेबसाइट के ज़रिए हमें मिलेगा। तो हम नीचे आएंगे इस वेबसाइट का, इस पे विंडो मलेशिया डॉट माई पे सबसे नीचे आएंगे और यहाँ पे एप्लीकेशन में आएंगे अप्लाई वीज़ा। जब अप्लाई वीज़ा पे आएंगे तो एक नया लिंक खुलेगा, यहाँ पे जब आप पहली बार आओगे तो आपको यहाँ पे आई एम न्यू करके आपको खोलना पड़ेगा और आपको सारा डिटेल यहाँ पे फुलफिल करना पड़ेगा। ये जो आप देख रहे हो ये आपका पासपोर्ट का फ्रंट पेपर और ये बैक है, ये दोनों आपको या तो इमेज में JPG फाइल या फिर PDF फाइल में इसे आप अपलोड करना पड़ेगा जब आप अप्लाई करोगे तब। ये सैंपल है जो दिखाया है। अब आप यहाँ पे अपना भरोगे, आपका गिवन नेम होगा, जो आपका नेम है वो भरोगे, आपका फैमिली नेम होगा जिसे आप सरनेम कहते हो, इनिशियल कहते हो, जो भी कहते हो, नेशनलिटी आपको भरना पड़ेगा, आप यहाँ पे इंडियन हो तो इंडियन भरोगे, और पासपोर्ट नंबर आपको भरना पड़ेगा जो कि 10 नंबर का होता है, जेंडर आप भर दोगे, जेंडर मेल फीमेल जो भी है, डेट ऑफ बर्थ भरोगे। अब नीचे आओगे करंट लोकेशन, ये आप देख रहे हो करंट लोकल एड्रेस, आप जहाँ पे रह रहे हो आप वहाँ का एड्रेस भरोगे। आप जैसे कि आप मान के चलो कि आप दिल्ली का हो और अभी अगर आप बेंगलोर में रह रहे हो तो आप बेंगलोर का एड्रेस भरोगे। ये नीचे आओगे, इतने डिटेल दोगे, एड्रेस, पोस्टल कोड, सिटी, कंट्री कोड, लॉग इन इन्फॉर्मेशन। ये इम्पोर्टेंट है, ये जो लॉग इन इन्फॉर्मेशन है ये आपको इस वेबसाइट को जब आप अकाउंट क्रिएट कर लोगे वीज़ा अप्लाई करने के लिए ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसमें आप अपना ईमेल एड्रेस डालना जो आप यूज़ करते हो रेगुलर, आप अपना खुद का पासवर्ड जनरेट करना और पासवर्ड ये यहाँ पे एक है मल्टीप्लाई कर देना, आंसर दे देना और यहाँ पे रजिस्टर कर देना। जैसे कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे होम पे आता हूँ और मैं रिटर्निंग यूजर में जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको अपना खोल के दिखाता हूँ, जैसे कि ये मांग रहा है ईमेल आईडी, तो जैसे कि मैं अपना ईमेल आईडी डालता हूँ, और ये मैं पासवर्ड डालता हूँ, और यहाँ पे ये पूछ रहा है तो क्या होगा 17 और यहाँ पे साइन इन, ये मेरा खुल गया, आप देख रहे हो ये मेरा खुल गया। तो ये यहाँ पे है, ये मेरा प्रोफाइल है जो हमने पहले प्रोफाइल बनाया था, ये आप देख रहे हो ये मेरा प्रोफाइल है, ये मेरा पासपोर्ट नंबर है, ये मेरा एड्रेस है करंट लोकल एड्रेस जहाँ पे मैं जहाँ से ये अप्लाई किया हूँ और जहाँ का है ये मेरा। अब आप वापस होम पे जाते हैं, होम पे आ गए, मेरा खुला हुआ है। अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, आपको एक ऑप्शन आएगा अप्लाई ई वीज़ा और इनरोल ई NTR प्रोग्राम। अगर आप अकेले घूमने जा रहे हो, ये दोनों का मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यू में अप्लाई वीज़ा, यहाँ पे आप देख रहे हो 30 डेज़ के लिए है
और अगर आप यहाँ पे आओगे तो ये 15 डेज़ के लिए होगा, आप यहाँ पे देख रहे हो ये 15 डेज़ का है। ये है सिंगल एंट्री वीज़ा, ये 15 डेज़ के लिए है। और ये अब आप यहाँ पे कॉस्ट देख रहे हो 25 फ़ी है, और यहाँ पे आप देख रहे हो इनर 1150 रुपीज़ है, और इसमें सर्विस टैक्स भी लगेंगे आपको, ये आपने देखा। और इसका फ़ी आपको मैं दिखा देता हूँ, 20 USD अप्रोक्स 1700 रुपीज़। तो हम यहाँ पे इनरोल करेंगे, हम इस पर नहीं करेंगे। अगर आप ग्रुप में जा रहे हो तो आप ये वाली पे कर सकते हो, आप ये वाला वीज़ा ले सकते हो, इस तरह का आएगा और यहाँ पे आप अप्लाई न्यू करके आप बनाओगे। लेकिन हम ये नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें अकेले जाना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आपको क्या क्या फॉलो करना है वो यहाँ पे दिया हुआ है। आपको इसमें फ़ोटो अपलोड करना है, वाइट वाइट बैकग्राउंड के साथ फ़ोटो अपलोड करना है, क्या क्या यहाँ पे ज़रूरत है वो सब आपको करना है। नीचे आना है, प्रोसीड करना है। जब आप प्रोसीड कर दोगे तो आपका आ जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हो मेरा ऑलरेडी पहले से यहाँ पे कंप्लीटेड है, आप मेरा स्टेटस देख रहे हो, ये मेरा कंप्लीटेड है, इनरोल्ड है 21 अक्टूबर 2018, ये मेरा रेफरेंस नंबर है। जैसे कि मैं मेरा को ऑलरेडी वीज़ा जनरेट हो चुका है, तो यहाँ से मैं डिलीट नहीं कर सकता इस वीज़ा का, क्योंकि ये अभी 3 मंथ के बाद एक्सपायर होगा। और इसका एक खासियत है कि आप इसे एवरी 9 मंथ के बाद ही अप्लाई कर सकते हो। एक बार अगर आप कर दिए तो आफ्टर 9 मंथ्स के बाद अप्लाई करोगे, अप्लाई न्यू वीज़ा करोगे, अगर आपके नाम से ही आएगा तो ये न्यू जनरेट नहीं होगा। तो अब आप प्रिंट पे कहो, जैसे कि मेरा ऑलरेडी है, तो मैं प्रिंट पे आया तो मेरा ये है जो प्रिंट पे आ गया, तो मुझे नहीं करना है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है। मैं यहाँ से आपको खोल के दिखा देता हूँ, ये देखो मेरा वीज़ा है, ये मेरा जो हमने अपलोड किया था, जैसे कि आप देख रहे हो ये पासपोर्ट का फ्रंट पेपर और ये बैक पेपर है। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे आपको दिखाना होगा, आपको फ़्लाइट का टिकट दिखाना होगा और रहने का दिखाना होगा, होटल जो आप बुक कर रखे हो, ये चीज़ आपको पहले दिखाना होगा मलेशिया जाने के लिए। इसीलिए मैंने 2 वीडियो इस पर पहले ही बना रखा है, एक आपको होटल बुकिंग का और एक फ़्लाइट बुकिंग का, ये दोनों यहाँ पे आपको कंपलसरी है ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था, तो ठीक है, थैंक यू।